नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के चौथे मैच में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थे। इस मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बोर्ड पर टांग दिए। हालांकि राजस्थान के तमाम गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई, लेकिन राजस्थान के लिए डेब्यू करने वाले चेतन सकारिया के लिए मैच काफी अच्छा साबित हुआ। उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 31 रन खर्च करते हुए 3 बड़े विकेट हासिल किए। इसके अलावा निकोलस पूरन का एक शानदार कैच भी लपका। आपको बता दें, पारी का 18वां ओवर क्रिस मॉरिस कर रहे थे। इस ओवर की आखिरी गेंद एक शॉर्ट गेंद थी जो लेग साइड पर थी। निकोलस पूरन ने इसे काफी ताकत के साथ पुल कर दिया, लेकिन गेंद को वो सही से टाइम नहीं कर पाए थे। लेकिन चेतन सकारिया ने शानदार अंदाज में फुल लेंथ डाइव लगाकर निकोलस पूरन का कैच लपक कर उनकी पारी को खत्म कर दिया। आपको बता दें, निकोलस पूरन अपना खाता तक नहीं खोल पाए। अंतिम ओवरों में निकोलस पूरन कितने घातक साबित हो सकते हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन चेतन सकारिया ने एक हैरान कर देने वाला कैच लपक कर निकोलस पूरन की पारी का अंत किया। आपको बता दें, चेतन सकारिया ने केएल राहुल, मयंक अग्रवाल के अलावा झाई रिचर्डसन का भी विकेट निकाला और अपने डेब्यू मैच में कमाल कर दिया। आपको बता दें, ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने चेतन सकारिया को 1.2 करोड़ रुपए में खरीद कर अपने साथ जोड़ा था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।